दादा, शत्रुघ्न दौड़कर अभ्यास हॉल में घुसा। बहुत से अयोध्या के सैनिक, जैसा कि वे अक्सर करते थे, अपने राजकुमार भरत को भाला चलाते देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। उनके पिता महाराज दशरथ ने अपने मृत्युशैया पर भरत को युवराज घोषित किया था, लेकिन भरत ने राज्याभिषेक को ठुकरा दिया और इसके बजाय अपने बड़े भाई राम की चप्पलें अयोध्या के सिंहासन पर रख दीं और घोषणा की कि वह राम के वनवास से लौटने तक उनके शासक के रूप में राज्य का संचालन करेंगे। चार भाइयों में सबसे छोटा शत्रुघ्न भरत के साथ अयोध्या में रहने का फैसला किया था। शत्रुघ्न के जुड़वां भाई लक्ष्मण मिथिला की लड़ाई में एक दिव्य हथियार दैवी अस्त्र के अनधिकृत उपयोग की सजा के रूप में 14 साल के वनवास पर राम के साथ गए थे। भरत ने अपने भाई की आवाज को नजरअंदाज किया, कोई विचलित करने वाला नहीं। वह अपने युद्धाभ्यास पर ध्यान केंद्रित रहा। उनके हाथ में भाला था, जिसे आम तौर पर दूर से दुश्मनों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता था, या घुड़सवार सेना द्वारा विरोधी सेना को कुचलने के लिए। लेकिन भरत भाले को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा था। यह एक तलवार की तुलना में एक योद्धा की पहुंच को नाटकीय रूप से बढ़ा देता है। यह एक 2-in-1 हथियार था और पकड़ने के अंत में लकड़ी के शाफ्ट को एक छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, जबकि चाकू की धार वाली धातु का सिरा एक तेज ब्लेड था। यह एक भयानक हथियार था जिसे चलाना मुश्किल था, लेकिन भरत इसमें अच्छा था, बहुत अच्छा। दादा, भरत बिना रुके अपने पिछले पैर पर वजन ले गया और भाले के लकड़ी वाले हिस्से से अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर वार किया। इससे पहले कि उसका प्रतिद्वंद्वी संभल पाता, भरत एक घुटने पर बैठ गया और भाले के दूसरी तरफ से वार किया, वास्तविक नुकसान न पहुंचाने के लिए समय रहते पीछे हट गया। लेकिन संदेश स्पष्ट था, भरत उस सैनिक का सफाया कर सकता था जो उससे द्वंद्व युद्ध कर रहा था। युद्ध के मैदान में कठोर सैनिकों के दर्शक जोर से तालियां बजाने लगे। दादा, भरत आखिरकार शत्रुघ्न की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने अपने छोटे बुद्धिमान भाई को युद्ध अभ्यास व्यायामशाला में पाकर आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, एक ऐसी जगह जहां वह शायद ही कभी आता था। शत्रुघ्न को एक बार देखते ही भरत समझ गया कि कुछ भयानक गड़बड़ है। मैंने हनुमान को संदेश भेज दिया है गुरुजी, अरिष्टनेमी ने कहा, लेकिन अरिष्टनेमी मल्लयपुत्रों की सेना के प्रमुख अपनी राजधानी अगस्त्यकूटम में मल्लयपुत्रों के शक्तिशाली प्रमुख विश्वामित्र के साथ थे। पिछले दिन अरिष्टनेमी ने विश्वामित्र को यह चौंकाने वाली खबर दी थी कि सीता को लंका के दुष्ट राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। मल्लयपुत्रों द्वारा उसे 7वें विष्णु अच्छाई के प्रचारक के रूप में पहचाना गया था। विश्वामित्र इस खबर से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए थे, वास्तव में उन्होंने खुशी व्यक्त की थी। लेकिन क्या, विश्वामित्र ने पूछा, मेरा मतलब है गुरुजी, मैं आपसे सवाल करूं कौन हूं और आप सब कुछ जानते हैं। अरिष्टनेमी मजाक नहीं कर रहा था। अभी पिछले दिन उसने पाया था कि विश्वामित्र को 2 दशक से अधिक समय से पता था कि सीता वेदवती की बेटी थी, जो रावण के जीवन का प्यार थी। रावण सीता को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा और इसलिए मल्लयपुत्र योजना अभी भी संभव थी। रावण, अधिकांश भारतीयों के अनुसार, खलनायक और बुराई सीता द्वारा नष्ट हो जाएगा, जो सीता की छवि को भूमि के उद्धारकर्ता के रूप में मजबूत करेगा। अरिष्टनेमी के लिए यह अकल्पनीय था कि विश्वामित्र ने इतने लंबे समय से इसकी कल्पना और साजिश रची थी। लेकिन हनुमान, मेरा मतलब है, बोलो, विश्वामित्र गुर्राया, अपने मन की बात कहो। लेकिन हनुमान तो आपके दोस्त के, यानी दूसरे गुरु के बहुत करीब हैं। अरिष्टनेमी वशिष्ठ का नाम लेने की जहर खाने जैसी गलती तो नहीं करता था। कभी विश्वामित्र के सबसे करीबी दोस्त, अब वशिष्ठ उनके कट्टर दुश्मन थे। बहुत कम लोगों को ही यह पता था कि उनकी दुश्मनी कैसे शुरू हुई, लेकिन उनके बीच खटास सभी जानते थे। विश्वामित्र ने धीमे स्वर में गुर्राया, बोलो, मतलब हनुमान गुरु वशिष्ठ के ही वफादार हैं, क्या वो हमारी बात मानेंगे? अरिष्टनेमी ने फटाफट कह दिया। विश्वामित्र पीछे झुक गए और गहरी सांस ली, आंखें बंद कर खुद को संभाला। वो नाम सुनकर उन्हें हमेशा अजीब सा लगता था। मित्र अब शत्रु बन गया था। उनके दिल में गुस्सा, नाराजगी, दुख, प्यार, सब तरह के जज्बात उमड़ पड़े।
नंदिनी, आंखें खोलते समय विश्वामित्र फिर से शांत हो चुके थे, बेपरवाह, जैसे मां भारती का बोझ अपने कंधों पर ले चल रहे हों। तुम सोचते क्यों हो मैंने अन्नपूर्णा देवी से वो सब कराया, विश्वामित्र ने एक सवाल से दूसरा सवाल पूछा। अर्शनेमी जानते थे कि विश्वामित्र ने अन्नपूर्णा देवी और उनके पति सूर्य के रिश्ते का फायदा उठाकर कुंभकर्ण को सीता के सातवें विष्णु होने की बात लीक कर दी थी। उनका दांव था कि कुंभकर्ण के बड़े भाई रावण को जिंदा रहने के लिए जरूरी दवाइयां लेने के लिए, मलय पुत्रों पर दबाव बनाने के लिए जल्द ही सीता को अगवा कर लेगा, और उनका दांव चल गया। क्योंकि जितना आप अन्नपूर्णा देवी से प्यार और सम्मान करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप मां भारती से प्यार और सम्मान करते हैं, अर्शनेमी ने जवाब दिया। बिल्कुल, विश्वामित्र ने कहा, मैं जो प्यार और सम्मान करता हूं उसके लिए जो करना होगा करूंगा। हनुमान उस सांप वशिष्ठ के भक्त हो सकते हैं, लेकिन वो सीता के और भी ज्यादा भक्त हैं। वो उन्हें बहन की तरह मानते हैं। उन्हें लगता है लंका में सीता की जान खतरे में है। हनुमान वो करेगा जो हम कहेंगे, क्योंकि वो यही सोचेगा कि सीता को बचाने का यही एक रास्ता है। अर्शनेमी ने सिर हिलाया। हाँ गुरुजी, सीता को प्रसिद्ध अशोक वाटिका में कैद कर दिया गया था। यह विशाल और सुंदर बगीचा किले जैसा था, जिसे लंका की राजधानी सिगिरिया से 5 किलोमीटर दूर बनाया गया था। हरे भरे मैदानों और मानव निर्मित घास से ढकी छोटी पहाड़ियों पर नाचते मोर इस जीवनदायी सौंदर्य में शान और लालित्य का स्पर्श जोड़ते थे। बगीचे के केंद्र में आलीशान झोपड़ियां रहने के लिए सुविधाजनक थीं। बगीचे के बीचों बीच के बड़े झोपड़े को सीता को दे दिया गया था। अशोक वाटिका नाम ही सच्चाई और प्रतीक का मिश्रण था। खासकर बगीचे के बीचों बीच झोपड़ियों के आसपास अशोक के पेड़ों की बहुतायत ने नाम के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट किया, लेकिन इससे भी ज्यादा गहरा अर्थ था। संस्कृत में शोक का पुराना शब्द शोक था, इसलिए अशोक का अर्थ हुआ बिना शोक। ये बगीचा, ये अशोक वाटिका खुशी, आनंद और सुख का नखलिस्तान था। लेकिन भारतीय स्वभाव से ही दार्शनिक होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें गहराई से सोचने की भी आदत होती है, और अशोक का अर्थ शोक न महसूस करना भी हो सकता है। कुछ लोगों को भाग्य द्वारा इतना दुख दिया जाता है कि वह उनके अस्तित्व का आधार बन जाता है। वे जीवन के उतार चढ़ाव के आदि हो चुके हैं, अब उन्हें कुछ नहीं दुखा सकता, क्योंकि उन्हें पहले ही सहन शक्ति से परे चोट लग चुकी है। उनके दुख के सागर में ताजे दुख की बूंदों का कोई असर नहीं होता। सीता को बचाने के लिए रावण ने फैसला किया कि उसे सिगिरिया से दूर अशोक वाटिका नाम के विशाल बगीचे में रखा जाए। पिछले कुछ सालों में शहर में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई थी। रावण सीता को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसने बगीचे और किले की दीवारों पर महिला सैनिकों को तैनात कर दिया था। सीता को व्यस्त रखने के लिए खाने पीने, किताबें, संगीत वाद्य यंत्रों का इंतजाम किया गया था, लेकिन सीता इन सब बातों से विचलित नहीं होना चाहती थी। मुझे पता है आप सिर्फ आदेश मान रहे हैं, उसने विनम्रता से कहा, लेकिन मैं यह खाना नहीं खाऊंगी। वह अपने झोपड़े के बाहर बरामदे पर बैठी थी। सैनिकों ने उसके सामने रावण के निजी रसोइयों द्वारा बनाया गया सिगिरिया का सबसे बेहतरीन भोजन परोसा था। एक सैनिक ने आधिकारिक तौर पर ढक्कन खोला। यह खाना जहरीला नहीं है महान विष्णु, उसने कहा। उलझन में थी, लेकिन फिर भी सम्मान से बोली, आप आदेश दें तो मैं अभी हर व्यंजन का स्वाद लूंगी और आपकी चिंता दूर कर दूंगी। सीता हंस दी, रावण मेरे खाने में जहर क्यों मिलाएगा? वह अब तक मुझे कई बार आसानी से मार सकता था। मुझे पता है कि यह जहरीला नहीं है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं रावण को मेरे पति या मलय पुत्रों के साथ मेरी जिंदगी के लिए सौदेबाजी नहीं करने दूंगी। उसने अपने पीछे झोपड़े की तरफ इशारा किया। वहां और यहां आसपास आपने मेरे आत्महत्या करने के हर संभव तरीके को हटा दिया है। मैं सिर्फ खाना मना कर सकती हूं। मैं समझती हूं कि आप सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं, और मुझे आपके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। घबराई हुई सैनिक ने अनुनय विनय करना शुरू किया। लेकिन महारानी, मेरी बात सुनिए, हम आपको मरने नहीं दे सकते, हमें आपको जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। सीता मुस्कुराई, कोशिश करके देखो। कुंभकर्ण एक अशोक के पेड़ के पीछे छिपकर बातचीत देख रहा था। वह अब उसकी नजरों में आ गया। पल भर में विनम्र सीता गायब हो गई।
वह खड़ी हो गई। गुस्से ने उसके शरीर की हर मांसपेशी को सख्त कर दिया। लंका के शाही व्यक्ति कुंभकर्ण को देखकर सैनिक घुटनों के बल झुक गए। कुंभकर्ण ने उन्हें जाने दिया और वो तुरंत चले गए। कुंभकर्ण सीता को देखता रहा, यह आश्चर्य से परे था। वह लगभग वेदवती की नकल थी, लगभग लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेदवती शांत और कोमल थी, जबकि सीता स्पष्ट रूप से आक्रामक और जुझारू हो सकती थी। अब यह जांचने का समय था कि क्या वो अपनी मां की सहानुभूति और निष्पक्षता रखती हैं। कुंभकर्ण ने शिष्टता से कहा, अगर आप नहीं खाना चाहती हैं तो आपको नहीं खाना है महान विष्णु, लेकिन क्या मैं आपसे इसे देखने का अनुरोध कर सकता हूं? सीता ने संदेह से घुमावदार पेंटिंग को देखा जो कुंभकर्ण पकड़ रहा था। क्यों? सीता ने सावधानी से पूछा। एक पेंटिंग देखने से क्या नुकसान हो सकता है रानी सीता? सीता विशाल कुंभकर्ण से पीछे हट गई, लड़ने की मुद्रा में हाथ उठाए और बोली, आप पेंटिंग खोलो। कुंभकर्ण ने धीरे से सिर हिलाया, सीता और खुद के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए पीछे हटा, लुढ़का हुआ कैनवास क्षैतिज रूप से पकड़ा और धीरे धीरे जानबूझकर उसे खोल दिया। सीता दंग रह गई। वह थी, यह उसका चित्र था, लेकिन छोटी, लगभग 21 या 22 साल की उम्र के आसपास। उसके कपड़े नरम बैंगनी रंग के थे, दुनिया में सबसे महंगा रंग और राजघरानों का पसंदीदा रंग। चेहरा, शरीर, बाल, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। ठीक है, लगभग बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि कुछ सूक्ष्म अंतर थे। चित्र में वह शांत और कोमल थी, लगभग एक आर्षिका जैसी। वह सुडौल, भरी और सुडौल थी। वास्तविक जीवन में सीता के विपरीत वह अधिक स्त्री थी, कम मांसपेशी, कम पतली। सीता के गर्व के युद्ध के किसी भी निशान को चित्र में अभिव्यक्ति नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि 26 वर्षीय सीता को पेंटिंग में बहुत छोटे संस्करण में बदल दिया गया था। इसके बजाय एक योद्धा माता देवी को एक आकर्षक खगोलीय अप्सरा में बदल दिया गया था। चित्रित महिला की सुंदरता में कुछ अलौकिक था, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी शांति। सीता ने कभी खुद को इतनी सुंदरता से भरी हुई नहीं सोचा था, और फिर उसे समझ आया, यह पेंटिंग प्रेम का श्रम था, हर ब्रश स्ट्रोक एक दुलार था, यह प्रार्थना थी, श्रद्धा, जुनून, लालसा स्पष्ट थी। यह चित्रकार पेंटिंग के विषय से गहरा पागलपन और दिल दहला देने वाला प्यार करता था। अजीब, गुस्से से तेज गुर्राते हुए सीता ने एक कदम पीछे लिया। ये क्या बकवास है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इसे किसने बनाया? कुंभकर्ण का जवाब सीधा था, मेरे भाई रावण ने, भगवान इंद्र के नाम पर। रावण इसे क्यों बनाता? जब तुमने मुझे उठाया था उस दिन से पहले तो मैं उससे कभी नहीं मिली थी, और उस उम्र में तो बिल्कुल नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि उसने तुमसे पहले मुलाकात की है। फिर तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये कौन से दिमागी खेल है? कोई बेवकूफ, अच्छा पुलिस वाले बुरा पुलिस वाला खेल? क्या तुम वाकई सोचते हो मैं इस बकवास में फंस जाऊंगी? हम तुम्हें किसी चीज में नहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने उस राक्षस भाई को कहो कि वो जब तक चाहे मुझे चित्र बना सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं डिगा पाएगा। मैं भूख से मर जाऊंगी। मैं सबसे पवित्र भगवान रुद्र की कसम खाती हूं। कुंभकर्ण की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे से कहा, यह तुम नहीं हो, यह तुम्हारा चित्र नहीं है। सीता एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उसके हाव भाव में नाटकीय रूप से बदलाव आया, गुस्से से सदमे में, लगभग जैसे वह जानती थी कि अगला वाक्य क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, यह नहीं हो सकता था, कुंभकर्ण ने जारी रखा, यह तुम्हारी मां है, तुम्हारी जन्म मां।